आइकिया कंपनी के खिलाफ बीजेपी का मोर्चा, कर्मचारी भर्ती में पक्षपात का आरोप, स्थानीय लोगों के लिए मांगी नौकरी। मुंबई के तुर्बे में प्रारंभ हो रही होम फर्निशिंग कंपनी आइकिया के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। स्थानीय नेताओं ने आज तुर्बे यूनिट में कंपनी प्रबंधन का घेराव किया और स्थानीय लोगों को नौकरी देने में हो रहे पक्षपात पर सवाल उठाया। आइकिया प्रबंधन से मिलने पहुंचे बीजेपी के स्थानीय नेता अनवर शेख, पूर्व नगर सेवक राजेश शिंदे और अमित मेढकर ने खुला आरोप लगाया कि आइकिया जानबूझकर तुर्बे के युवाओं को नौकरी नहीं दे रही है। उन्होंने सत्तारूढ़ दल के नेताओं पर भी हमला बोला। अनवर शेख ने कहा कि आइकिया तुर्बे में खुल रही है लेकिन कामगारों की भर्ती बाहर से की जा रही है, जबकि यहां की नौकरियों पर स्थानीय लोगों का पहला अधिकार है। वहीं पूर्व नगर सेवक राजू शिंदे और अमित मेढकर ने भी कंपनी प्रबंधन पर सत्तारूढ़ दल के नेताओं के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया और स्थानीय युवाओं को तत्काल नौकरी देने की मांग की। एक्चुअली इधर आइकिया का आपको सबको पता होगा कि 3 सालों से यहाँ पर काम चल रहा है, 3 सालों से काम चल रहा है, तो हम लोगों ने कभी उनको फोर्स नहीं किया कि हमारे जो लोग हैं उनको लो। हमारा इतना ही कहना था कि जो भी आपके रूल रेगुलेशन में बैठते हैं उनको लो, लेकिन कुछ दिन से हम लोग देख रहे हैं कि जो कुछ विरोधी पक्ष वाले लोग हैं वो कुछ चेहरे लोग को देख के उधर जॉब पर लगा रहे हैं, प्रेशर ला रहे हैं, कोई बॉडीगार्ड लेके आता तो इन लोग उनको उसके जोर के ऊपर इधर जॉब लगा रहे हैं। तो हमारा ये कहना था कि इधर के जो झोपड़पट्टी के लोग हैं, जैसे आप सबको पता ही है कोविड में जैसा कि जो महामारी का जो रोग चल रहा था, 8 महीने से कई लोगों के लोगों ने अपनी नौकरी गमा के बैठ चुके हैं। तो हमारा इतना कहना था कि अगर हम इधर के लोकल हैं तो हमारा हमको किधर तो उसमें प्राधान्य देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भी इधर के जो रिक्वायरमेंट जो रिक्रूट है जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, कंपनी के बेसिस के ऊपर जो उनका रूल है उस बेसिस पे उन्होंने लेने के लिए कहा है। लेकिन हमने कहा कि अगर हमारे स्लम के लोग हैं और हमारे अगर हमारे वार्ड में या हमारे एरिया में अगर ये आता है तो हम लोगों को आप किधर तो प्राधान्य देना चाहिए, तो उन्होंने उस बेस के ऊपर सहमति दर्शाई है। वो लोग का पूरा 18 दिसंबर को माहौल चालू कर उनका पूरा रेडी किया है, जिसका मतलब उन्होंने यहाँ पे स्थानीय लोगों को गुमराह करके उनका जो मकसद था पूरा उन्होंने रिक्वायरमेंट पूरा किया है। फिर भी हमने यहाँ पे जाके अभी एक कायदे हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको संविधान दिया है, तो संविधान के हिसाब से न्याय मांगने का काम हमने उनको जाके मिल गए, एचआर हेड को अर्जी दिया है। भाई ठीक है, ये इतना बड़ा माहौल यहाँ पे आइकिया माहौल आ रहा है तो हमारा तुर्बा का भी एक नाम पूरा वर्ल्ड में जा रहा है तो हमको खुशी है, मगर ये माहौल होते समय हमारा स्थानीय लोगों को यहाँ पे न्याय देना चाहिए था। हमने देखा है कि हमको अभी खाली जो आइकिया का पेरोल पे हमको यहाँ के लोगों को लेना चाहिए था। हमारे इधर के लोग हमारे बच्चे लोग को हम कहते हैं भाई ये जो लिंक है लिंक पर अप्लाई करिए और आपको कॉल आएगा, तो लिंक में तुर्बा जो नाम जैसा ही लिखता है तो अप्लाई उनको कॉल आता ही नहीं है ना उनका इंटरव्यू होता है, वो यो हिसाब से तो अभी हुआ नहीं है। और रहा सवाल सफाई कामगार जो वॉचमैन का काम है वो लोगों के लिए हमको खाली मुंह में पूछने के लिए थोड़ा बहुत हमारे लिए है, उसमें भी पार्सलिटी हुई है। हमारे बाकी जो लोग दूसरे लोग आते हैं यहाँ पे दबंगगिरी करते हैं दादागिरी करते हैं स्टैंड गन लेके, उनका यहाँ पे 90% होता है लेते हैं, हमारे उसमें भी पार्सलिटी हमारे 10% कुछ अभी लिया है, वो भी हमारे तीनों वार्ड के लोगों को लेके। जो भी यहाँ के लोकल लोग यहाँ पर अगर रिक्रूटमेंट के लिए प्लेसमेंट के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ पर ये जो लोग हमें आके बता रहे कि अगर उनके एड्रेस में तुर्बे पता चला तो ऐसे लोगों को यहाँ पर नौकरी नहीं दी जा रही है, और अगर जो कोई नॉन तुर्बेकर होगा तो उनको यहाँ पर प्रायोरिटी दी जा रही है। यह हमारे यहाँ के स्थानिक लोगों ने जो यहाँ पर फॉर्म भरा है उनका कहना है। हमने इनके अभी एचआर मैनेजमेंट के हेड हमसे मिली, हम जो भी हमारा डेलीगेशन था हमने उनको यही हमारे कुछ हमारे प्रमुख मुद्दे थे वो हमने सामने रखे कि हमारा एक स्लम वार्ड होने की वजह से हमारे यहाँ पर एजुकेटेड लोग ज़्यादा नहीं है, तो अब जितने भी हाउसकीपिंग और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है उसमें आप के यहाँ के लोगों को जो स्थानिक लोगों को प्राधान्य दे, साथ ही में जितने हमारे एजुकेटेड लोग हैं भले उनकी मात्रा कम हो लेकिन कम होने की वजह से वो कंपनी के लिए फ़ायदा है कि वो उतने वो फैकल्टी में यहाँ के लोगों को आप वहाँ पर प्राधान्य दे सकते हैं, जिसमें हमारे यहाँ पर भी बहुत अच्छे ग्रेजुएट लोग हैं, MBA किए हुए लोग हैं, हमारे यहाँ पर IIT किए हुए लोग हैं, तो उनको आप लोग यहाँ पर रिक्रूट करेंगे तो यहाँ पर जो इतने साल से जो
60-70 साल से यहाँ पर जो स्लम में हमारे जो स्थानिक लोग रह रहे उनको यहाँ पर जॉब मिलेगा तो उनके भी जीवन में खुशी आएगी और उनके साथ एक इंसाफ हो जाएगा कंपनी की तरफ से होगा, ये हमने उनसे मांग रखी है। बताना जरूरी है कि तुर्बे में आइकिया यूनिट का 18 दिसंबर को शुभारंभ होने वाला है। इसके लिए अब तक 3000 से अधिक स्किल्ड वर्कर्स की नियुक्ति हो चुकी है। हालांकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि इनमें से अधिकांश लोग बाहरी हैं, जबकि स्थानीय युवाओं के एप्लीकेशन को जानबूझकर रिजेक्ट किया जा रहा है, जो उनके साथ अन्याय है। बीजेपी नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर कंपनी ने नौकरी देने में वादा खिलाफी की तो वे तीव्र आंदोलन करेंगे। हम लोगों ने अभी उनको जो भी था, जो मोहब्बत से जो बोलना था, अभी तक हम लोगों ने उनको 3 साल से, या अभी जो हम लोग उनके पास में गए थे, हमने हमारी तरफ से विषय रखा हुआ है। अगर वो ये मोहब्बत को भी अगर वो नहीं समझते हैं तो जो उसका दूसरा स्टेप होगा, हमको अगर उसके लिए जन आंदोलन करना पड़ेगा, लोगों के लिए रोडों पर भी उतरना पड़ा, तो हम उसके लिए उतरेंगे। आने वाले दिनों में हमने 2 दिन का अल्टीमेट दिया है उनको कि नायक साहब के हमने यहाँ पे मांग भी रखी, नायक साहब ने भी हमको बताया भाई आप स्थानीय लोग आप जाके कायदे से आप मांग करिए, लोगों के लिए आप वहाँ पे इनको विनती करिए, लेटर दीजिए। तो हमने आज उनसे 2 दिन का हमको अल्टीमेट हमको दिया है उनको हमने, और आने वाले दिनों में 18 तारीख से चालू से पहला हमारी मांग हमको कुछ उसमें हमको पॉजिटिव कुछ आया नहीं तो हमको एक बड़ा आंदोलन यहाँ पे करना पड़ेगा और करेंगे। कंपनी मध्ये निर्माण होणाऱ्या रोजगारांमध्ये स्थानिकांना प्राधान्य देण्यात यावे याकरिता देखील पाठपुरावा केला, परंतु स्थानिकांना डावलून काही राजकीय व्यक्तींनाच प्राधान्य देऊन नोकर भरतीमध्ये त्यांना प्राधान्य देण्यात आले, त्यामध्ये सदर व्यक्तींनी पैसे घेऊन नोकऱ्या दिल्या आहेत। तुर्बे पावणे इत्यादी परिसरामध्ये स्थानिक प्रकल्पग्रस्त अनेक होतकरू युवक युवती महिला त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार काम करण्यास इच्छुक असताना देखील त्यांना प्राधान्य देण्यात आले नाही। कोविड सारख्या महामारीमध्ये अनेक नागरिकांचे बेरोजगार रोजगार गेले आहेत, अनेकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे, परंतु आयक्या कंपनीकडून तुर्बे परिसरातील स्थानिकांना अशा संकट प्रसंगी कोणतीही आर्थिक मदत सहाय्य मिळालेले नाही। ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही 1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी 1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।